आप सब लोग भाई हो कि आप सब लोग बड़े होंगे। तो आ चुके हैं हम एक और नई फ्री फायर की वीडियो के साथ। अगर हम खेलने वाले सोलो वर्सेस स्क्वाड और इस मैच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। तो उतरते हैं और गनों के लिए भटकेंगे और गनों के मिलते हैं डायरेक्ट बंदों की तरफ चलेंगे। सामने नौ बंदा पड़ा होता है, पहले मैं सोचता हूँ कि इस वाले बंदे को फिनिश कर दूँ, लेकिन सामने से बंदा मुझे फायरिंग करने लग जाता है, इसलिए मैं सामने वाले बंदे को पहले फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद नौ वाले बंदे का भी मैं किल ले लेता हूँ। उसके बाद दो तीन बंदे फायरिंग के साउंड जिनके हमें तरफ आ जाते हैं, जिनको फिनिश करने के बाद देखो एक और बंदे के फर्स्ट स्टेप आते हैं, तो देखो उसे कैसे मारते हैं। वहाँ पे बंदे फिनिश करने के बाद मैं आता हूँ पीक में आते मुझे मिलते दो बंदे, जिनमें से मैं एक बंदे को फायर करता हूँ, उसे नॉक कर देता हूँ। इतने में उसका टीममेट वहाँ से भाग जाता है और मुझे नहीं पता है क्यों हुआ और कैसे हुआ है, लेकिन फिर मैं उस बंदे का पीछा करने लग जाता हूँ। फिर वो बंदा मुझे आगे मिल जाता है, तो देखो उसे कैसे फिनिश करते हैं। इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ कि मैं इसको रेड जोन ले मारने के लिए आ जाता हूँ। मैं इससे गुस्सा इसलिए हो जाता हूँ कि इसका टीममेट सामने नॉक पड़ा रही है, मेरे ऊपर फायर करने के लिए भाग रहा है। भाई ऐसा भी मेरे साथ बहुत बार होता है, इसलिए मुझे ऐसे टीममेट्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हाँ, जब मैं इस आगे वाले बंदे को मारने के लिए जा रहा होता हूँ तो पीछे से मेरे पास वो फायरिंग करता है, तो ये वाले बंदे को याद रखना क्योंकि हम इस वाले बंदे को आगे वापस आके मारेंगे जरूर।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी हेल्थ एकदम से इतनी कम कैसे हो गई, तो भाई इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है। मैं 500 मिनट से खेलता हूँ और मुझसे गलती से गेम बिल्कुल क्विट हो गया, तो दोबारा रिकनेक्ट होके आया, तब तक मेरी हेल्थ इतनी कम हो चुकी थी। तो अभी फिर मैं यहाँ पे आके कवर में आता हूँ, हील करते हैं, फिर ढूंढते हैं उस वाले बंदे को। तो हाँ, मैं इस वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं पेज के ऊपर वाले हिस्से की तरह, और वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे भी अलाइव हैं, आपको देखते हैं कैसे फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं, तो मैं बीच के अंदर आके थर्ड पार्टी कर देता हूँ और उनसे एक किल मैं ले जाता हूँ। तो सामने वाला बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है, क्योंकि वो भी इसके ऊपर फायरिंग कर रहा होता है। तो जैसे ही मैं वाले बंदे के पास जा रहा होता हूँ, वाला बंदा आगे भागने लग जाता है। तो देखो उसे कैसे पकड़ते हैं। तो उस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद आता हूँ मैं पीक के दूसरे वाले हिस्से की तरफ, जहाँ पे यहाँ पे फायरिंग कर रही है। तो चलते हैं उन बंदों की तरफ। और इस वाले मैच में दूसरी बार देखता हूँ कि बंदे मुझे फिनिश करने के अलावा भागना पसंद करते हैं, जबकि उनका टीममेट नॉक है। पता नहीं है, मतलब इसीलिए मैं कभी रैंडम्स के साथ नहीं खेलता हूँ। तो मैं बाकी बंदे को फिनिश कर देता हूँ जोन में आने के बाद, और अभी भी 4 बंदे आए थे। मैं सोच ही रहा था कि इन 4 बंदों को मार दूँगा तो 6 का गेम प्ले बन जाएगा, बट मेरी किस्मत में तो इतनी अच्छी नहीं थी। बस देखते रहो क्या होता है।
Θα την αντιμετωπίσω σαν να βγει μια κουλτούρα.